अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शब्बीर अली अल कॉफी गुड फार्म से। आज का टॉपिक है, यदि सर्दी के मौसम में आपका जानवर पानी नहीं पी रहा है, काफी सुस्त और दुबला दिख रहा है, क्योंकि बदन में पानी नहीं होगा तो वो दुबला दिखेगा। आपका जानवर अगर बकरी है वो दूध कम दे रही है, और आपका अगर मान लीजिए जानवर कम खाना खा रहा है क्योंकि पानी नहीं पिएगा तो डाइजेशन नहीं होगा, तो कम खाना खाएगा, कम अनाज उठाएगा, तो उसके लिए आप क्या करें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जानवर खा रहा है, ये खाने का हमारा जो रैक बना हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है कि सोदा नमक होता है या काला नमक होता है वो आप उसमें रख देंगे, उसका जो ढेला आता है, ठीक है। इसके अलावा फिटकरी जो होता है, जिससे हम लोग जो आफ्टर शेव दाढ़ी में लगाते थे, वो फिटकरी रख देंगे। ये सब सारे मिनरल्स वगैरह हैं जो जानवर को जरूरत पड़ती है, ये ऑल सीजन आप रखेंगे इसको, उसको जब जरूरत पड़ेगा जो चीज चाटने का वो उसको चाट लेगा। अब आज ये सोदा नमक या नमक से हमको क्या फायदा होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये फायदा होगा कि उससे उसको मिनरल मिलेगी, उसकी बॉडी में जो भी मिनरल्स की कमी होगी वो उससे पूरा कर लेगा। दूसरा क्या होगा कि आपका जो जानवर है, अगर आपका जानवर नमक जब भी खाएगा ना, कोई सा भी नमक हो, तो उसको प्यास लगेगी। जब भी आपका जानवर को अगर पानी नहीं पी रहा है तो आप उसको नमक चटाएंगे तो आप देखिएगा उसको प्यास लगेगा, डाइजेशन होगा, वो पानी ठीक पिएगा। पानी पीने नहीं पीता है किसी भाई का भी नॉर्मल सीजन में अगर देखते हैं अगर कम पानी पीता है तो आप उसको नमक चटाएंगे, नमक पिलाएंगे, नमक खिलाएंगे, खाना में मिला के या चटाएंगे तो आप देखेंगे वो पानी पिएगा ही पिएगा, उसको प्यास लगेगा। ये हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात, अब इसको पानी कैसे देंगे, जैसे कि नॉर्मल हम लोग खुद सर्दी के मौसम में जो है रूम टेम्परेचर पानी पीते हैं, फ्रिज की पानी नहीं पीते हैं, तो इन लोगों का भी पानी काफी ठंडा हो जाता था। आपको करना क्या है, थोड़े से आप एक जग पानी गर्म कर लें, गर्म करके आप जो भी बाल्टी में पानी पिलाते हैं उसमें मिला दें, मिला के पानी का जो टेम्परेचर है उसको आप नॉर्मल कर लें, मतलब आप ठंडा नहीं, आप लूक वार्म कर लें। करने के बाद वो पानी में आप 10 ग्राम के लगभग, जैसे 20 लीटर का अगर आपका पानी है तो आप उसमें 10 से 15 ग्राम गुड़ जो होता है, ठीक है, जग जीरा जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और गुड़ होता है, ये गुड़ उसमें डाल दें, जो गाय वगैरह हमारा बच्चे देती है या हम लोग का जो पकाने वाला और जानवर का गुड़ अलग आता है। अब हमारा नॉर्मल वाला भी, अगर आपको जानवर वाला नहीं मिला, नॉर्मल वाला भी आप गुड़ डाल सकते हैं, वो 10 ग्राम डाल देंगे जस्ट टू टेस्ट कि उसमें स्वाद आ जाए पानी में, ठीक है। और उसमें तो ऐसे भी आपका जो है बहुत सारी बेनिफिट है वो अलग है, वो तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो करेंगे। और उसमें 5 ग्राम आप जो है टाटा नमक, जो नॉर्मल सा हमारे घर में खाना बनता है, वो उसमें डाल दें। उसके बाद आप उसको वो पानी ऑफर करें अपने जानवर को, आप देखेंगे आपका जानवर भरपूर पानी पिएगा, और पानी पिएगा तो उसका डाइजेशन अच्छा होगा, उसको भूख अच्छी लगेगी, आप बदन जो आप देख रहे थे इसका जो सूखा सूखा लगा था वो भी आपका खिल जाएगा। दूध अगर आपकी बकरी कम दे दी क्योंकि पानी नहीं पिएगी तो दूध कहां से बनाएगी, तो वो भी परेशानी आपकी हल हो जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई भी रिक्वेस्ट किसी भाई को होगी कि आपको कोई भी चीज की ट्रीटमेंट पूछना है, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9748457001। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 9748457001। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।